नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं जमीयतुल उलमाए हिंद की। जमीयतुल उलमाए हिंद का बड़ा ही सराहनीय काम पूरे देश में है, मगर जमीयत की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी जमीयत में घुस गए हैं जिनके ऊपर लोगों को शक भी है। 6 तारीख को इसी मुंबई में, इस वक्त मैं मंत्रालय के बाहर हूँ, हमने यहाँ एक पत्र सबमिट किया है। इसी मुंबई के हज हाउस में जमीयत का एक सदर चुनने का प्रोग्राम हुआ और उसमें दुनिया भर की मगजमारी यानी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियां हो गई और आपस में तनाव बढ़ गया। ये एक अलग चीज़ है, मगर जमीयत का जो इमामबाड़े का यानी मुंबई का कार्यालय है, वहां से फंड करोड़ों की सूरत में भिवंडी की तरफ गया और उसका सही से हिसाब किताब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। अब भिवंडी में कहाँ गया, तो भिवंडी के सिराजुल उलूम में जो जिम्मेदारान हैं उनके जरिए यहाँ से गया और उसमें कहीं ना कहीं शक का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आज हम मंत्रालय पहुँचे थे इसी संबंध में, गृह मंत्रालय से और मुख्यमंत्री से जांच की मांग का यहाँ पत्र दिया गया है और अब हम यहाँ से आगे चर्च गेट, आयकर भवन भी जाएंगे इस संबंध में, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया कि भिवंडी शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को बताया जाए कि ये जो करोड़ों का मामला सामने आ रहा है, सच है या गलत है, इसका खुलासा किया जाए, तो भिवंडी के जिम्मेदारान ये खुलासा करने को तैयार नहीं है, इसलिए मजबूरन अब यहाँ तक पहुँचना पड़ा है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं सैफन पठान के साथ खान फकर आ रहा हूँ।